हमने उसको इसलिए नहीं चुना है कि वो धर्म की बात करे, हमने उसको इसलिए नहीं चुना है कि वो मंदिर मस्जिद की बात करे, हमने इसको इसलिए चुना है कि वो शिक्षा की बात करे। लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करवाते रहते हैं। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे है, मेरे बहुजन समाज के लोगो, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में, आओ इसे बचा लो। आपकी जिम्मेदारी नहीं तो आपका हक और अधिकार आपसे छीन जाएगा, आपका सम्मान आपसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आज भी समय है, आप लोग यहाँ पर आइए और संविधान को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन संविधान खत्म कर देंगे उस दिन आपसे आपका सम्मान छीन जाएगा, जिस दिन संविधान खत्म कर देंगे उस दिन आपसे आपका स्वाभिमान छीन जाएगा, उस दिन आपसे आपके हक और अधिकार छीन जाएंगे। इसलिए वक्त है, आप घरों में अगर सोते रहेंगे तो कल आपके साथ भी अन्याय अत्याचार होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वक्त है, आप लोग आइए यहाँ पर संविधान बचाने के लिए। संविधान को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों भाई, संविधान को लगातार, पहले तो कुछ पाखंडी कहते थे कि भाई संविधान को बदलना चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान बदलना चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन आज को है, लोग कह रहे हैं कि नेता कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, नया संविधान लाना है। क्यों, क्या दिक्कत क्या है इनको इस संविधान से, क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है ना कि जो लोग तुम्हारे सामने तुमको देख कर जो है अपनी चारपाई से उतर कर जमीन में बैठ जाते थे, आज वो तुम्हारे सामने गाड़ी से चल रहे हैं, आज वो तुम्हारे सामने जो है कलेक्टर बन रहे हैं, आज उनकी बेटियां उनके बच्चे जो है बड़े बड़े अच्छे पदों पर है, सरकारी पदों पर है। ये दिक्कत हो रही तुम लोगों को, इसलिए तुम लोग संविधान बदलना चाहते हो। किसके पास जमीनें हैं, हमसे तो छीनी जा रही है ना सारा कुछ, तो 3% 15% वाले कब्जा करके बैठ गए, 85% वालों के पास जो है उनसे वो भी छीना जा रहा है। कौन छीन रहा जमीन, कौन छीन रहा है? जो सरकार के लोग है, जो 15% लोग है उनके हाथ में सब कुछ है, और जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनसे आज भी 85% वालों से सब कुछ छीना जा रहा है। सब तो कह रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, आप जमीन मांग रही हैं सरकार से। हमें नौकरी भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए। संविधान है तो सम्मान है, जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम लोगों को सम्मान मिल रहा है। अरे मेरे 15% अपर कास्ट के लोगों, बताओ तुम लोगों ने कितने केंद्र विश्वविद्यालयों में दलित अल्पसंख्यकों को कुलपति बनाया, तुम लोगों ने कितने दलित अल्पसंख्यकों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, तुम लोगों ने कितने को वकील और इंजीनियर बनाया है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए ये लोग कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का बेटा बचाने क्यों नहीं आता, हिंदू खतरे में है तो MP MLA का बेटा बचाने क्यों नहीं आता। मैं ये समाज से पूछना चाहती हूँ, अगर हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का बेटा बचाने क्यों नहीं आता? हमारे बहुजन समाज के लोगों, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो आपके हक और अधिकार खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो आपको स्वाभिमान खतरे में है। मनुस्मृति ने लिखा कि शूद्र अगर ज्ञान की बातें सुन ले तो उसके कानों में जो है शीशा डाल देना चाहिए, अगर देख ले तो उसकी आंखों में सूजा डाल देना चाहिए, अगर उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट देना चाहिए। आज भी तो उनके बच्चे शासन कर रहे हैं, क्या वो हमको आगे आने देंगे? वो हमको आगे आने देंगे? लेकिन मुसीबतों का सामना करते हुए अगर हम आगे बढ़ते भी हैं तो ये लोग जो है हमको पीछे ढकेल लेते हैं, जैसा कि आज डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ हो रहा है। ये जातिगत भेदभाव नहीं तो और क्या है? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान और पेरियार जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपकी बहन नैन्सी अम्बेडकर। क्या मांग लेकर गए दिल्ली में आज आप? देखिए हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें बड़े बड़े भाषण नहीं, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। हमसे जमीनें छीनी जा रही हैं, जमीनें छीनी जा रही हैं हमसे। हमें 5 किलो राशन नहीं, बड़े बड़े भाषण नहीं, हमको 5 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन जमीन तो कम होती जा रही है आजकल, जमीन कौन ले रहा है? संविधान को यदि खतरा है तो जो संविधान के दम पर अफसर बन गए हैं, MP MLA बने हैं, मंत्री बन गए हैं, DM SDM बन गए हैं, वो लोग वो बचाने क्यों नहीं आ रहे सड़क पर आज? संविधान जो है वो लोग तो उनको मिल गया ना, उनको मिल गया। जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब लोग हैं उनको क्या मिला है? 85% तो आज भी धरना देता है ना। ये जो आज भीड़ लगी है यहाँ पर जंतर मंतर पर, आज जो हम लोगों नफरत मुक्त भारत चाहते हैं, यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है ये 85% वालों की है। इसमें से 15% वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। वो 15% जो है पूरे
भारत पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन 85% वालों से सब कुछ छीना जा रहा है, सब कुछ छीना जा रहा है। शिक्षा उनसे छीन ली गई है, हम शिक्षा को नहीं बचा पाए। नई शिक्षा नीति के नाम से आपसे शिक्षा छीन ली गई है, आपके स्कूलों को ताला लग रहा है। सरकारी स्कूलों में तो वैसे भी शिक्षा नहीं मिलती हमारे बच्चों को, सरकारी स्कूलों में वैसे भी शिक्षा नहीं मिलती हम लोगों को, और प्राइवेट पढ़ाने का हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन शिक्षा के लिए कभी आंदोलन नहीं करते आप जैसे लोग? शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं हम, वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हमें जो है एक जैसी शिक्षा चाहिए, जैसी शिक्षा अंबानी के बच्चे को मिलती है, जैसी शिक्षा MLA के बेटे को मिलती है, जैसी शिक्षा गृह मंत्री के बेटे को मिलती है, वही शिक्षा गरीब के बच्चे को मिलनी चाहिए, एक किसान के बच्चे को मिलनी चाहिए। संविधान से बना हुआ राजा, संविधान से चुना हुआ प्रतिनिधि, जो सरकार वर्तमान सरकार है वो संविधान के बदौलत चुनी गई है, संविधान से चुनी जाती है, और उसका कर्तव्य होता है, उसका दायित्व होता है कि उसकी सरकार में जो जनता है उसको रोटी कपड़ा शिक्षा दी जाए। समाजवादी लोगों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि रोटी कपड़ा सस्ता हो जाए और शिक्षा मुफ्त हो जाए, क्योंकि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता जो अमीर का बच्चा पढ़ता है। लेकिन जो एक सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है और जो अमीर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा जो पढ़ता है, वो लोग एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, उनके लिए एग्जाम अलग नहीं होता, वो लोग एग्जाम एक जैसा ही देते हैं। सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, धर्म पर ध्यान दे रही है। देखिए संविधान से चुनी हुई सरकार है, हमने उसको इसलिए नहीं चुना है कि वो धर्म की बात करे, हमने उसको इसलिए नहीं चुना है कि वो मंदिर मस्जिद की बात करे, हमने इसको इसलिए चुना है कि वो शिक्षा की बात करे, गरीब का जो बच्चा होता है उसकी शिक्षा पर भी बात करे। सरकारी स्कूलों में किसानों के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में मजदूरों के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में जो है जो सड़क पर घूमते हैं उनके बच्चे जाते हैं, खाना मिलता है उनको। तो वही तो बात है, देखिए क्या होता है जब सरकारी स्कूल में किसी बच्चे से एक से लेकर पांचवी छठी सातवीं तक बच्चे को पूछते हैं बेटा आज क्या पढ़ाया गया स्कूल में, तो वो कहता है आज तो हमको दलिया खाने को मिली है। वो ये नहीं कहता कि हमको आज ये पढ़ाया गया, क्योंकि मास्टर ही नहीं आते हैं, मास्टर ही नहीं आते हैं। शिक्षा व्यवस्था का आप हाल देख लीजिए। नहीं, एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई है। कौन सी पॉलिसी ला रही है? NEP 2020। देखिए ये लोग शिक्षा नीति के नाम पर जो है आपके बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आज भी अगर वक्त है, अगर आज आप लोग नहीं जागे तो आपका भविष्य खतरे में है, ये बात आप याद रखिए। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे है, मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है, आओ इसे बचा लो। आपकी जिम्मेदारी नहीं तो आपका हक और अधिकार आपसे छीन जाएगा, आपका सम्मान आपसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आज भी समय है, आप लोग यहाँ पर आइए और संविधान को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन स्कूलों में आप जैसे लोगों को तो हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो चाहे, और स्कूलों में पीटा जा रहा है बच्चों को धर्म जाति के आधार पर। वही तो बात है, देखिए हमारी सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सरकार में जो लोग हैं उनको शिक्षा रोजगार की बात करे, वो शिक्षा रोजगार की बात करे, वो रोटी कपड़ा की बात करे, वो रोजगार की बात करे। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन जो मीडिया है दिन रात हिंदू मुसलमान, एक को इधर बैठाता है वो हिंदू होता है, एक को इधर बैठाता है वो मुसलमान, का आपस में लड़ाता रहता है उन दोनों को। मीडिया सही से काम नहीं कर रहा है क्या? मीडिया फ्रॉड मीडिया है ये तो, काहे का मीडिया। जिस दिन मीडिया पर जो है शिक्षा की बात होगी, जिस दिन मीडिया पर रोजगार की बात होगी, धर्म की बात ना हो, धर्म की बात क्यों होनी है? धर्म क्यों जरूरी है बताइए? जरूरी नहीं आदमी के लिए, आपका आपस का मसला है, धर्म ये पूरा मसला नहीं है। ये लोग धर्म से इनका घर चल जाएगा भाई, आपका घर चल जाएगा धर्म से, आपका घर चल जाएगा धर्म से, बताइए। शिक्षा चाहिए हम लोग को, हमें धर्म से मतलब नहीं, धर्म अपना हमारा प्राइवेट है, धर्म से मतलब नहीं। सरकार बनती है कि उसकी जिम्मेदारी होती है नागरिकों को शिक्षा। धर्म मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा। धर्म आपका आपसी मसला है, लेकिन शिक्षा स्वस्थ रोजगार जो है ये सामाजिक मुद्दा है। हम सामाजिक मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करवाते रहते हैं। हम लोगों को आज शिक्षा चाहिए। हम जो गठबंधन बना है देश में, उसने 14 जो TV एंकर है उनको जो है बैन कर दिया है, उनको जो है नकार दिया है कि हम उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ऐसी मीडिया को बैन हो जाना चाहिए जो है, जो लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का मुद्दा ना उठाकर धर्म का मुद्दा उठाते हैं, ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए जो लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। वो तो कह रहे कि देश का असली मुद्दा जो है शिक्षा का है, देश का असली मुद्दा रोजगार का है, देश का असली मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है। इन तीनों पर हम बात करना चाहते हैं। आप जैसे बच्चा उसमें जा रहे हैं शोभा यात्राओं में, तलवार निकालते हैं, वो नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हमें हमारा संविधान प्यारा है, हमें संविधान से अधिकार मिले, महिलाओं को संविधान से अधिकार मिले, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। संविधान की कॉपी चलाई गई थी यहीं पर 2018 में,
संविधान की कॉपी जलाई गई थी ना। देखिए, संविधान को जलाना और संविधान खत्म करना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं बात करने। संविधान बचाने के लिए हम लोग जंतर मंतर पर आए हैं। कब तक जलाएंगे संविधान? ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले भी तोड़े जाते हैं। कितनी नफरत करोगे? कौन लोग हैं जिनको नफरत होती है? जिनको नफरत होती है कि ये दलित का बच्चा जो हमारे सामने हमको देखकर हमारे अपनी चार पाई से उतर जाता था। जातिवाद है क्या अभी? जातिवाद है, जातिवाद ही तो चल रहा है। आपने कभी झेला जातिवाद? जातिवाद सबके साथ हो रहा है, ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? हमको यहाँ पर आकर धरना देना पड़ रहा है, जातिवाद नहीं तो और क्या है? ये जातिवाद ही है। अभी डॉक्टर रितु सिंह जी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में धरना दे रही है, वो क्या है? वो जातिवाद है। एक तो हमारे लोगों को आने नहीं देती है लोग आगे। मनुस्मृति लिखी गई थी, मनुस्मृति में लिखा कि शूद्र अगर ज्ञान की बातें सुन ले तो उसके कानों में जो है शीशा डाल देना चाहिए, अगर देख ले तो उसकी आंखों में सूजा डाल देना चाहिए, अगर उच्चारण कर ले तो उसकी जीभ काट देना चाहिए। आज भी तो उनके बच्चे शासन कर रहे हैं, क्या वो हमको आगे आने देंगे? वो हमको आगे आने देंगे? लेकिन मुसीबतों का सामना करते हुए अगर हम आगे बढ़ते भी हैं तो ये लोग जो है हमको पीछे ढकेल लेते हैं, जैसा कि आज डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ हो रहा है। ये जातिगत भेदभाव नहीं तो और क्या है? सत्ता में कैसे आएंगे बहुजन? देखिए, बहुजन सत्ता में कैसे आएंगे? अगर बहुजनों को सत्ता में आना है तो सबसे पहले बहुजन समाज का जो नेता है उन लोगों को एक होना पड़ेगा। बहुजन समाज के नेताओं को महागठबंधन बनाना पड़ेगा। उसके बाद उन लोगों को पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन करना हो गया।